i hope that you will all will be good and healthy. <coughs> welcome you all to Model school voice branch 3 for english online class for class 3. this is your english class so boys you have to get ready with your english book. the picture you can see on your screen that this is your english better english literacy skills for class 3 by maria really so you have to take out your this book and you have to keep your stationery in front of you as well okay before going to start our today's lecture today's topic let me tell you that we have finished we have covered all the uh, work of unit number 13 and 14 in our online classes okay? हमारा जो अब तक जितनी ऑनलाइन क्लासेस में काम हो चुका है उसमें हमने यूनिट थर्टीन एंड फोर्टीन जो है उसका सारा आ, उसकी रीडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ एट बुक एक्सरसाइजिज कॉम्प्रिहेंशन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कम्प्लीटेड ऑल दैट सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू यूनिट दिस इज़ यूनिट नंबर सिक्सटीन ठीक है आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपका यूनिट नंबर सिक्सटीन एट पेज नंबर 71 वन एंड द नेम द टाइटल ऑफ द यूनिट इज़ द कैट एंड द बेल ठीक है बिल्ली और घंटी ये जो है हमारा आज का न्यू टॉपिक है न्यू यूनिट है यूनिट नंबर सिक्सटीन वी आर गोइंग टू डू इट्स रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन टुडे ठीक है तो आपने अपनी बुक पर पेज सम, नंबर 71 वन ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको यूनिट नंबर सिक्सटीन जो है वो यू विल फाइंड आउट दैट यूनिट एट पेज नंबर 71 वन सो यू हैव टू गेट रेडी ऑन दैट पेज यू हैव टू कीप पेंसिल द शार्पन पेंसिल इन योर हैंड आपने पेंसिल को शार्प करके हाथ में रखना है सो दैट यू हैव टू अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स साइड बाई साइड ठीक है साथ साथ आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी अंडरलाइन करना है और उनके मीनिंग्स जो है वो आपने बुक के ऊपर अपने पास नोट डाउन करते रहने हैं राइट सो आई होप दैट यू हैव गॉट द यूनिट नंबर एंड द पेज नंबर एज वेल ठीक है यू कैन क्लियरली सी ऑन योर स्क्रीन यूनिट नंबर सिक्सटीन पेज नंबर इट्स सेवेंटी वन एंड द टाइटल ऑफ द यूनिट इज द कैट एंड द बेल ठीक है In this unit we are going to read about a cat and the mouses okay? the mice we are going to read Mouse you can see here a mouse and here you can see the picture of a cat TK okay? um, you know uh, it's uh, very much clear that uh, here is a fight between a mouse and a cat TK. Okay? बिल्ली और चूहे जो हैं तो वो काफ़ी पहले से फेमस हैं कि पहले पहल जो है तो बिल्ली जो था बिल्ली जो थी वो चूहों को खाती थी ठीक है लेकिन अब आजकल जो चूहे हैं वो थोड़ा ज़रा हमें जो नज़र आते हैं दे आर वेरी मच बिग इन साइज ठीक है बड़े बड़े हमें रैट्स नज़र आते हैं तो उनसे शायद बिल्ली डरती भी ठीक है उनको बिल्ली नहीं खाती या वो खा नहीं सकती तो वो वाले जो चूहे होते हैं रैट्स दे डू नॉट फील फियर फ्राम द कैट्स ठीक है वो कुछ ज़्यादा बिल्ली से डरते भी नहीं हैं लेकिन बहरहाल ये जो चूहे और बिल्ली का एक जोड़ी है वो शुरू से चली आती है ठीक है एंड वी कैन सी दैट एंड वी कैन सी दैट कैट इज़ दी एनिमी ऑफ माइस ठीक है इसलिए कि वो उनकी बिल्ली जो है वो चूहों को खा खाती है तो उनकी उसकी खुराक होते हैं सो so,

और उस पैराग्राफ को भी मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है राइट सो दिस इज़ द वेरी स्टार्टिंग द फर्स्ट पैरा ऑफ दिस यूनिट तो आपने अपनी फिंगर रखनी है बुक पर साथ साथ ठीक है ओके okay, जी हेयर इन दिस चैप्टर वी वीड अबाउट एन ओल्ड लेडी ठीक है हु ओल्ड हाउस एंड शी वेर वर माइस इन हर ओल्ड हाउस ठीक है उसके घर में जो थे चूहे थे और वो बहुत ज़्यादा फ्रेडअप थी एंड देन वट सी डेट फॉर दैट फिर उसने क्या किया वो सारा हाँ, अब हम पढ़ने जा रहे हैं राइट right? ओके okay, जी वंस अपॉन अ टाइम एंड ओल्ड लेडी लिव्ड इन अ वेरी ओल्ड हाउस दे आर व लॉर्ड्स ऑफ माइज इन दाउस द लेडी वॉज नाट हैप्पी विद द माइज दे एट हर चीज द एट हर मीट द एट हर बिस्किट्स दे मेड नॉइज एंड नाइट एंड शी कुड नॉट स्लीप ठीक है ओके जी दिस इज़ द स्टार्टिंग ये आपकी स्टार्टिंग थी ठीक है और इसी फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपको दूसरा मिलेगा ठीक है इसी पैराग्राफ के अंदर जो बाकी की आ, आपको लाइन्स हैं यू विल सी आई मस्ट गेट अ कैट शी सेट सो शी गॉट अ कैट एंड द कैट किल्ड

ठीक है एक दफ़ा का जिक्र है एक पुराने ज़माने की बात है कि एक ओल्ड लेडी ओल्ड मीन्स एजड ठीक है बूढ़ी औरत ओल्ड मीन्स एजड यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड और इसका मीनिंग आप लिख सकते हैं एजड ए जी ई डी एजड एशंट को भी कहते हैं ठीक है पुराने को ना ओल्ड पुराना हम यूजुअली यूज़ करते हैं ना लेकिन आ, पीपल के लिए भी पर्सनस के लिए भी ओल्ड का वर्ड यूज़ होता है वैन दे गेट ओल्ड वन दे गेट एजड ठीक है सो ओल्ड एंड एंशंट बोथ आर द क्लियर मीनिंग्स और बोथ आर द करेक्ट मीनिंग्स वी कैन से ठीक है तो एक जो बूढ़ी औरत थी वो एक पुराने से घर में रहती थी देयर वर लॉर्ड्स ऑफ माइस ठीक है माइस क्या है लॉर्ड्स ऑफ मीन्स मैनी बहुत ज़्यादा और माइस है इट्स द प्लूरल ऑफ़ माउस ठीक है चूहे की जमा है माइस वहाँ पर बहुत ज़्यादा चूहे थे ठीक है कहाँ पर उस घर के अंदर इन द हाउस तो लेडी वॉज नॉट हैप्पी विद द माइस ठीक है वो जो औरत थी वो चूहों की वजह से खुश नहीं थी शी वॉज अनहैप्पी हेयर द एच इज़ मिसिंग ठीक है एच स्किप हो गया है बट द स्पेलिंग्स आर यू एन एच ए डबल पी वाय हैप्पी राइट विद द माइस द एट हर चीज़ अब वो क्यों खुश नहीं थी इसलिए कि जो चूहे थे द एट हर चीज़ वो उसके चीज़ खा जाते थे डू यू नो वर्ट्स चीज़ दिस द पिक्चर यू कैन सी ठीक है इट्स एन ईटेबल ये खाने की चीज़ है ठीक है ये मोस्टली पिज्ज़ा uh, में यूज़ uh, होती है ठीक है और डिफरेंट ईटेबल्स के अंदर ये जो है तो यूज़ होती है इसको उसके अंदर स्लाइस के अंदर भी रख के खाया जा सकता है सो इट इज़ चीज़ ठीक है अच्छा आप क्या करते वो जो चूहे थे वो उस औरत की सारी चीज़ खा जाते द एट हर मीट मीट यू नो गोश्त को कहते हैं ठीक है यू कैन सी इन द पिक्चर दिस इज़ मीट राइट दिस इज़ मीट सो वो उसका सारा का सारा गोश्त भी खा जाते उसकी चीज़ खा जाते दी एट हर बिस्किट्स ठीक है उसके बिस्किट्स भी खा जाते यू नो वेरी वेल बिस्किट्स ठीक है आप लोग भी बहुत शौक से बिस्किट्स खाते हैं कुकीज़ कहा जाते हैं इनको दे मेड नॉइस एट नाइट फिर वो रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा शोर भी मचाते थे एंड शी कुड नॉट स्लीप और वो सही तरीके से सो नहीं सकती थी ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस इज़ द पिक्चर ऑफ एन ओल्ड हाउस इन दिस वेरी हाउस द लेडी यूज टू लिव एंड द लेडी वॉज एन ओल्ड लेडी वो बूढ़ी औरत इस घर के अंदर रहती थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा चूहे थे वो औरत जो थी द लेडी वॉज अनहैप्पी ड्यू टू दाइज बिकॉज दे एट एवरी थिंग द एट हर चीज़ दे एट हर मीट एंड दे मीट नॉइज एट नाइट सो शी वॉज अनएबल टू स्लीप वेल वो अच्छी तरीके से ठीक तरीके से सो भी नहीं सकती थी चूहों के शोर की वजह से राइट right? सो so, वट हैप्पन दैन फिर क्या हुआ उसके बाद आई मस्ट गेट अ कैट ठीक है मुझे एक कैट हासिल कर लेनी चाहिए शी सेट उसने कहा सो शी गॉट अ कैट सो उसने एक बिल्ली पकड़ी शी गॉट अ कैट शी गॉट अ कैट उसने एक बिल्ली पकड़ी एंड द किल्ड कैट किल्ड लॉर्ड्स ऑफ माइस और बहुत सारे जो चूहे थे वो बिल्ली ने मार दिए ठीक है कैसे मार दिए क्योंकि वो खा जाती थी चूह को द लेडी वॉज हैप्पी ठीक है इसलिए कि चूहों को प्रॉब्लम था ना उसको वो चूहों से बहुत ज़्यादा फेडअप थी उनसे तंग थी तो चूँकि बिल्ली जो थी वो उसने बहुत सारे चूहे खा लिए लेडी वॉज हैप्पी लेडी खुश हो गई एंड द कैट वॉज हैप्पी टू वो जो बिल्ली थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको तो उसकी खुराक मिल रही थी बट द माइस वर नॉट हैप्पी लेकिन चूहे खुश नहीं थे इंडीड इंडीड मीन्स टू बी श्योर यकीन दे व अनहैप्पी वो ना खुश थे क्यों ना खुश थे क्योंकि उनकी तो फैमिली कम हो रही थी उनके बहुत ज़्यादा फैलो जो थे तो वो जो बहुत ज़्यादा शादी थी उनको बिल्ली शिकार कर देती उनका वो उनको खा जाती दिस वॉज द रीज़न दैट द माइस वर अनहैप्पी यू कैन सी द पिक्चर दैट द माइस वर अनहैप्पी ठीक है दिस इज़ द पिक्चर ऑफ़ दैट ओल्ड लेडी एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ़ अनहैप्पी माइस ठीक है चूहे ना खुश थे वो अनहैप्पी थे क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा फैलो जो थे उनको बिल्ली ने खा लिया था ओके जी देन वॉट हैपन नेक्स्ट दिस इज द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ योर बुक ठीक है ओके वट है देन वन डे द ओल्डेस्ट माउस ठीक है ओल्डेस्ट मीन्स के जरा उनमें जो चूहों में थोड़ा बड़ा था ना वो वाला चूहा ठीक है द ओल्डेस्ट माउस सेट ऑल माइज मस्ट कम टू माई होल टू नाइट वी विल हैव अ मीटिंग वी मस्ट थिंक दैट वट वी कैन डू अबाउट द कैट अच्छा, फिर एक दिन क्या हुआ द ओल्डेस्ट माउस यू कैन सी इन द पिक्चर एक बड़ा सा चूहा है ठीक है उसने कहा कि ऑल माइस मस्ट कम टू माई होल टू नाइट ठीक है अब चूहे कहाँ रहते हैं चूह के बिल्स होते हैं ना ठीक है छोटे छोटे से होल्स होते हैं ठीक है होल दीज आर एम टी स्पेसिस ठीक है यानी सुराख इनके अपने आ, सुराख बना लेते हैं बिल बना लेते हैं और उसके अंदर ये बड़े आसानी से चले जाते हैं एंड वन थिंग मोर अबाउट द माइज कि इनके बॉडी के अंदर हड्डी नहीं होती ठीक है ये बहुत कम स्पेस से भी इस्पेस में से बहुत आसानी से गुजर जाते हैं ठीक है अपना रास्ता खुद बना लेते हैं तो अब उसने ये कहा उसने ऑर्डर किया द ओल्डेस्ट माउस ऑर्डर दैट ऑल माईज मस्ट कम टू माई होल टू नाइट आज जो है तो सारे के सारे जो है मेरे हॉल में मेरे बिल के अंदर इकट्ठे होंगे एंड वी विल हैव अटिंग वी विल हैव अ गैदरिंग ठीक है हम सारे इकट्ठे होंगे वहाँ पर हम बातचीत करेंगे वी मस्ट थिंग हमें सोचना होगा वट वी कैन डू अबाउट द कैट कि हमें बिल्ली के साथ क्या करना चाहिए ठीक है यानी वो अपना ये सोल्यूशन निकालना चाहते थे ना कि चूँकि वो अब बिल्ली से फेडअप हो चुके थे बिल्ली चूहों को मार देती थी खा जाती थी तो आप उन्होंने कुछ इसका सोल्यूशन सोचना था कि किस तरह से वो इस बिल्ली से निजात हासिल कर सकें राइट दिस इज़ द पिक्चर ऑफ़ द ओल्डेस्ट माउस ठीक है थोड़ा सा आ, बड़ा थोड़ा सा चूहों में से जो बड़ा था उसकी बात हो रही है ठीक है ओके जी देन दिस इज़ द थर्ड पैराग्राफ ऑफ योर बुक राइट ऑल द माइज ऑल द माइज केम टू द मीटिंग

ऑल द माइस केम टू द मीटिंग सारे के सारे चूहे जो थे वो मीटिंग में आ गए ना मीटिंग कॉल की जाती है ठीक है जब भी किसी पर्पस के लिए आ, कोई सपोज़ कोई काम होता है ठीक है तो आपके अगर एरिया की आ, कोई मीटिंग होनी है तो सारे मोहल्ले में से आपके फादर्स को इकट्ठा करते हैं बुलाते हैं ठीक है थीके? अब आपके स्कूल में टीचर्स के स्टाफ की मीटिंग होती है तो वो सारे टीचर्स एक जगह इकट्ठे होते हैं और वह फिर वहाँ पर बातचीत होती है सो so, अब यहाँ पर माइज़ की मीटिंग थी वो सारी मीटिंग में जमा हुए मैनी ऑफ द माइस स्पोक एट द मीटिंग ठीक है बहुत सारे चूहों ने स्पोक मीन्स टॉक उन्होंने बात की बट दे डिड नॉट नो वट टू डू लेकिन उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है राइट एट लास्ट वन ऑफ द यंग माइस स्पोक फिर उनमें से एक छोटा चूहा बोला वी मस्ट पुट अ बेल ऑन दैट ही सेट ठीक है हमें क्या करना चाहिए कि हमें एक बेल्ट जो है वो बिल्ली के गले में लटका देनी चाहिए उसको पहना देनी चाहिए वन द कैट इज़ कमिंग जब बिल्ली आएगी वी शेल हेयर द बेल हम बेल की आवाज़ सुनेंगे एंड वी कैन रन फिर हम भाग सकेंगे और एंड हाइट ठीक है हाइट कहते हैं छुप जाने को द कैट विल नॉट कैच एनी मोर माइस और बिल्ली जो है वो मजीद चूहे नहीं पकड़ सकेगी ठीक है अच्छा दिस वॉज ऑल द डिस्कशन विच वॉज डिस्कस इन द मीटिंग ठीक है अब सारे चूहे जमा हो गए वहाँ मीटिंग में फिर उनको उन्होंने बातचीत भी की बट दे डिडोट नो वट टू डू उन्हें नहीं पता था कि हम ऐसा uh, क्या डिस्कस करें ऐसा हम uh, कौन सा डिसीजन लें कि जिससे हम बिल्ली से निजात हासिल कर सकें वी कैन गेट रिट ऑफ द माओ ऑफ़ द कैट सो वन ऑफ़ द यंग माइज उन चूहों में से एक छोटा चूहा था जो एज में इतना ज़्यादा नहीं था योक ही स्पोक we must मस्ट पुट वी मस्ट वेयर अ बेल ऑन द कैट ठीक है हमें क्यों ना बिल्ली के गले में एक घंटी पहना दें बेल पहना दें said when the cat is come, एंड the cat will come, we shall hear the bell. ठीक है जब डेफिनेटली बिल्ली आएगी उसकी घंटी की आवाज़ हमें सुनाई देगी एंड सो वी विल बी एबल टू रन एंड हाइड एर स्टिल्स ठीक है हमें पता चल जाएगा सो so वी hide. हम भाग सकेंगे ख़ुद को छुपा सकेंगे The cat will not catch any more mice. So at that time the cat won't be able to catch any more mice. Th so this is the you can see here all the mice were gathered in the meeting. meeting th And they were discussing this all about the cat. Okay. Gee. Coming to the last para. Then an old mouse spoke. Who will put the bell on the cat? He said.

एक जो छोटा चूहा था अ यंग माउस स्पोक ही गेव अ सोल्यूशन टू पुट अ बेल ऑन द इन द नेक ऑफ द कैट सो दे डिस्कस दैट वी विल बी एबल टू हियर हिम हियर हर बेल रेंगिंग एंड वी विल बी एबल टू हाइड आर सेल्स अच्छा फिर क्या हुआ देन इस बात पर जब आपकेंग उसने माउस um, ने डिसीजन दिया एट दैट टाइम एंड ओल्ड माउस स्पोक ठीक है फिर उस बात की बात पर उसके रिप्लाई में उस बड़े चूहे ने कहा हु विल पुट द बेल ऑन कैट सोल्यूशन तो आपने दे दिया ना लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि उसके गले में घंटी बांधे का कौन कौन उसको रिंग पहना बेल पहनाएगा ही सेट नो माउस आंसर उस टाइम पे फिर जो है तो किसी ने आंसर नहीं किया ऑल द माइज दे कैप क्वाइट वो सारे के सारे खामोश रहे दे वो वोट बी एबल टू गि द आंसर ऐट देट टाइम दे व नॉट एबल टू गिव द आंसर ऐट देट टाइम वो आंसर उस टाइम पर नहीं दे सके ही वेटेड उसने इंतज़ार किया ठीक है लुक फॉरवर्ड मीन्स उसने देखा उसने इंतज़ार किया स्टिल नो माउस आंसर्ड आंसर्ड मीन्स रिप्लाइड जवाब देना लेकिन वो इंतज़ार करता रहा दोबारा भी किसी ने जवाब नहीं दिया एट लास्ट दी माउस स्पोक अगेन फिर दोबारा वो चूहा बोला और उसने कहा ही सेट इट इज़ नॉट हार्ड टू से थिंग्स बट इट इज़ मच हार्डर टू डू दैम अच्छा अब वो फिर आइन पे क्या कहता है कि ये तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि हम बातचीत करें हम बातें करें हम बड़ी बड़ी बातें करें और हम सल्यूशन दें यानी चीज़ों को कहना तो मुश्किल नहीं है लेकिन चीज़ों को करना मुश्किल है यानी हम जैसा कहते हैं हम कह तो देते हैं कहना तो बहुत आसान है लेकिन उस काम को करना मुश्किल है ठीक है सो वी गेट अ लेसन एट द एंड वेरी मच इज़ी टू से थिंग्स इट्ज़ वेरी मच इज़ी टू स्पीक बात करना बातचीत करना बातें करना बड़े बड़े दावे करना बड़ाइयाँ करना तो बहुत आसान है लेकिन चीज़ों को करना मुश्किल है ठीक है सो दिस इज़ द मेन लेसन विच वी गेट कि हमें इतनी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए जितना कि हम किसी काम को करने की कोशिश करें राइट दिस इज़ ऑल अबाउट आर टू डेज़ टॉपिक टू डेज़ लेसन

ठीक है एंशियंट के साथ आप एजिड का मीनिंग भी स्लैश लगा के डाल सकते हैं ए जी ई डी एजिड एंशियट स्पेलिंग्स यू कैन सी पुट ए स्लैश एंड राइट द मीनिंग एजड एज वेल ठीक है ए जी ई डी एजिड नेक्स्ट वर्ड इज लॉर्ड्स ऑफ एंड द मीनिंग इज मैनी बहुत सारे बिस्किट्स बिस्किट्स आर कुकीज

night next word is whole whole means empty space meeting meeting means gathering spoke spoke means talked height Hide means conceal. Chubjana. Answered. Answered means replied. And hard means difficult. You can take uh, the screenshot of the words' meanings as well. You may write if any word is left, you may write the meaning later on. ओके जी कमिंग टू योर होमवर्क टू योर टूडेज होमवर्क इज़ डू रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर सिक्सटीन ठीक है इसी यूनिट को आपने दोबारा से रीड आउट करना है दिस इज़ अबाउट योर होमवर्क ओके जी इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इफ़ यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू मे आस्क फ्रॉम योर टीचर व्हेन यू विल बी हैविंग योर नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास राइट Okay, G, thank you so much. Take care of yourselves. Goodbye.